स्टूडेंट्स हाँ बच्चों, देखिए मैं आपको 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए इस 6 वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें एक क्वाड्रिलेटर लेना है ए बी सी डी। देखिए यहाँ पर हमने लिया है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, तो इसकी अपोजिट साइड, एक तो ये ए बी और सी डी, दीज आर अपोजिट साइड्स। तो इसका इस साइड का मिड पॉइंट हमने ई लिया और इस साइड का मिड पॉइंट हमने जी लिया। जब आप इसको जॉइन करते हो तो ये आपका बन जाता है जी ई लाइन सेगमेंट। तो ऐसे ही ए डी एंड बी सी, दीज आर अपोजिट साइड। तो आप इसका मिड पॉइंट लेंगे एच और इसका मिड पॉइंट लेंगे एफ, तो इसको भी हम जॉइन करते हैं तो ये हमारी एक लाइन सेगमेंट बन जाती है एच एफ। तो उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है कि ये जो आप अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लेते हो, ये जो लाइन सेगमेंट है, क्या ये बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ इसमें ये करना है हमें, जी टू ई एंड एच टू एफ बाइसेक्ट ईच अदर, वी हैव टू प्रूव इन दिस। तो देखिए सबसे पहले ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें क्वाड्रिलेटर गिवन है। ई जी एंड एफ एच, ई जी एंड एफ एच आर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ये मतलब अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनी है। और इसके बाद आगे हमें प्रूफ करना है कि क्या ये बाइसेक्ट करते हैं। देखिए ई जी एंड एफ एच बाइसेक्ट ईच अदर, तो जॉइन, फिर इसके लिए हमने क्या किया, जॉइन ई एफ एफ जी। ये देखिए यहाँ पर हमने ये सभी को जॉइन कर लिया, एच जी, जी टू एफ, एच टू ई, ई टू एफ, ये हमने इसको जॉइन कर लिया, और ए टू सी इसको जॉइन कर लिया। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंगली क्या देखना है हमें, तो इसमें सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में देखिए ई किसका मिड पॉइंट है, तो ए बी सी में ई मिड पॉइंट है ए बी का और एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये जो ई एफ है वो ए सी की क्या होगी, पैरेलल भी होगी, और जो ई एफ है वो ए सी की हाफ भी होगी बाय एम पी टी थ्योरम, क्योंकि ये वाला इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसकी क्या होगी, पैरेलल एंड हाफ। देखिए तो आपको ऐसे लिखना है, इसके पैरेलल भी होगी और ई एफ हाफ भी होगी, नंबर वन। आगे ए डी सी, अब ए डी सी ट्रायंगल में देखेंगे, ए डी सी में, ए डी सी में जो एच है वो किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, और जो जी है वो किसका मिड पॉइंट है, सी डी का। ठीक है, तो इसमें एच जी ए सी की क्या होगी, पैरेलल होगी और ये इसके हाफ भी होगी। एच जी इज़ पैरेलल टू ए सी एंड एच जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। देखिए तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एच जी पैरेलल टू ए सी, एच जी इज़ हाफ ऑफ ए सी। नंबर टू, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई एफ ए सी के पैरेलल है और यहाँ पे एच जी ए सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ई एफ और एच जी भी क्या हुए, पैरेलल। ऐसे ही ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एच जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इसका मतलब हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी इक्वल हैं, तो ई एफ और एच जी भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ई एफ एच जी के पैरेलल है। ये देखिए यहाँ पर जो ई एफ है वो एच जी के क्या है, पैरेलल, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो अगर ये पैरेलल है तो इक्वल भी है, इसका मतलब ई एफ जी एच ये एक पैरेललोग्राम बन जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें एक पेयर पैरेलल प्रूफ करके बताया और एक पेयर इक्वल भी किया, ई एफ इज़ पैरेलल टू एच जी एंड ई एफ इज इक्वल टू एच जी, देयर फोर ई एफ जी एच इज़ अ पैरेलोग्राम। तो ये हमारी पैरेलोग्राम शो हो गई। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि पैरेलोग्राम में जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स ऑफ ए पैरेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पैरेलोग्राम में देखिए ई एफ जी एच, इस पैरेलोग्राम में जो डायगनल्स हैं वो डायगनल्स ये हैं ना आपके जी टू ई और एच टू एफ, तो जी टू ई एच टू एफ ये इसके डायगनल्स हैं। तो अगर ये पैरेलोग्राम हमने शो कर दी तो इसके डायगनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, वही हमने इसमें प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि ई जी और एफ एच बाइसेक्ट ईच अदर, क्यों, क्योंकि वो हमने पैरेलोग्राम शो कर दी थी। ओके, तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 में आपको नेक्स्ट सेंड करती हूँ।